हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से अपने एक नए ब्लॉग के साथ प्रियांशी भंडारी राणा। तो दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी बहुत टाइम से, सरप्राइज़ था आप सबके लिए। तो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा मेरे बैकग्राउंड में मैं कहाँ पर हूँ। मैं जस्ट हॉस्पिटल में हूँ और अभी मेरे डेब्यू उतरी है। तो दोस्तों, आपके साथ मैं जो शेयर करने वाली हूँ वो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। तो आप वीडियो में बने रहिए, तो मैं आपके साथ सारा शेयर करती हूँ बैक कैमरे के साथ। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो ये हॉस्पिटल का रूम है जहाँ मैं एडमिट हुई थी। और मैं भी आपको बाहर से भी दिखाऊंगी मैं किस हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। मैं बीच बीच में जाया करती थी चेकिंग के लिए, बट मैंने आपसे कभी शेयर नहीं किया ये, क्योंकि सरप्राइज़ था आप सबके लिए। और यहाँ पर मेरा बेबी है और आज हमारा डिस्चार्ज हो रहा है यहाँ से। तो आज अभी जस्ट अभी दीपुत्री दोस्तों ये 26 को पैदा हुआ था। और अभी हम लोग, मैं आपके साथ बाहर से भी शेयर करूंगी जब हम लोग घर जाएंगे, मैं कौन से हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। और सीरियसली मैं आपके साथ और भी कुछ शेयर करूंगी अभी। तो दोस्तों, मैंने आपके साथ बैक कैमरे के साथ अपना हॉस्पिटल का जिस रूम में हम एडमिट थे वो मैंने आपके साथ शेयर किया सारा। तो अभी दोस्तों, मैं आपको इस हॉस्पिटल की खासियत बताना चाह रही थी कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जहाँ मैं एडमिट हूँ यहाँ पर फैसिलिटीज़ तो बहुत अच्छी हैं। दूसरा यहाँ पर ये है कि यहाँ पर पेशेंट को, मतलब चाहते हैं ये लोग कि नॉर्मल से नॉर्मल डिलीवरी हो किसी की भी। तो आप लोगों से मैं अभी बाहर जाके जब हम लोग घर के लिए जाएंगे तो मैं आपसे पूरा बैकग्राउंड बाहर से शेयर करूंगी कि मतलब मैं कौन से हॉस्पिटल में थी। आप लोगों को भी कौन से हॉस्पिटल में आना चाहिए। ये है आपका बसंत बिहार में निशा नर्सिंग होम। यहाँ के जो मेन डॉक्टर हैं वो निशा गैरा हैं, तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं सीरियसली। और जिस डेट को मेरी डिलीवरी होनी थी उसी डेट को उन्होंने डिलीवर करवाया। और दोस्तों, क्या है कि मैं, मतलब हाँ, बसंत बिहार ये लोकेशन है आपका नियर बल्लूपुर बल्ली वाला अनुराग चौक के पास पड़ता है ये। तो दोस्तों, आप लोग जो भी मतलब जो भी प्रेग्नेंट हैं, मैं उन लोगों से शेयर करूंगी कि मतलब आप इस हॉस्पिटल में आइए। और सीरियसली यहाँ पर मतलब कोई ऑपरेशन नहीं करवाते हैं। अगर किसी की डिलीवरी मतलब नॉर्मल हो सकती है, पॉसिबिलिटी नॉर्मल की है, तो बिल्कुल नॉर्मल ही कराएंगे। तो दोस्तों, आप यहीं पे आइए। और तो दोस्तों, आपने देखा होगा हमने सारा सामान पैक कर लिया है और अभी हमें हॉस्पिटल से लीव मिल चुका है। और अभी हम लोग निकल रहे हैं हॉस्पिटल से बाहर, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी मैं बैक कैमरे के साथ आपको हॉस्पिटल का सारा दिखाती हूँ। चलो फिर दोस्तों, बाय बाय। तो दोस्तों, यहाँ पर स्टाफ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत सपोर्टिव है। तो आप लोग प्लीज़ इस हॉस्पिटल में आइए। और बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हो निशा नर्सिंग होम ये वाला है। ये आपको मैंने एड्रेस बताया था, ये पड़ता है आपका नियर बल्लीवाला या फिर बल्लूपुर अनुराग चौक के पास में। और आप देख सकते हो यहाँ से आगे जाओगे तो बल्लीवाला पड़ेगा और यहाँ से आगे जाओगे तो बल्लूपुर पड़ेगा। तो दोस्तों, ये पास में ही है। और आपको मैंने यहाँ की फैसिलिटीज़ तो सारी बताई होंगी, देख सकते हो आपका। और यहाँ पर हम लोग रेडी हैं घर जाने के लिए। चलो तो अभी जस्ट हम घर के लिए निकल रहे हैं और मेरा बेबी भी सो गया है।
और दीदी के पास वो बड़े प्यार से सो रहा है। और अभी हम लोग जा रहे हैं, और ये चेरी है, अभी हम लोग जा रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग अपनी कॉलोनी में पहुंच चुके हैं, साई लोग कॉलोनी में, और हम घर पहुंचने वाले हैं। ये दोस्तों तो हम घर पहुंचने वाले हैं। जॉन देखो हमारा हमें लेने रास्ते में ही आया हुआ है, उसने अपनी गाड़ी पहचान ली है। और ये हम अपने घर पे पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों हम लोग अभी घर पहुंच गए हैं, आप देख सकते हो अभी हमारे बेबी के स्वागत की तैयारियां हो रही है अंदर पे। और तो अभी चलते हैं अंदर, अभी मम्मी लोग पूजा की तैयारी कर रहे हैं अभी, तो फिर चलते हैं अंदर। दोस्तों अभी हम लोग गाड़ी से उतरे नहीं हैं, अभी उतरने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे पूजा की तैयारी हो चुकी है, और चलो उठाओ 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 रोलो सोना चल आखे खोल चल बड़ी हो रही हो उसने मम्मी को पूरा इत्मीनान से फूल यदि फूला ये हमारी
चलो दादा कहाँ गया हाथी वाले दादा आगे दादा में सजाई दादा यार क्या बन आज रे आज बोलो मेरा टाइम सुन अभी काम कर तो मैं क्या होगा तुम बाहर रह जा रहे हो ना तुम ले ये था पांच मिनट अब गोंद का भी तेरी जावा नहीं होने बड़े बड़े देर दादा तो लाओ आ गई हूं ना तो गा था ना रहा वो दादी कल ले जाएंगे हां दादी ले जाएंगे हां दादी करेंगे वाला बच्चा जगु जगु जे लम्मी उम्र होए बाबा आए दादा भी करेंगे भाई हां दादा भी ये भाई यार ये भी आ रहा है ना जब बोलो मैं तो हां हसन रेडी बहुत फुर्सत वाली बेबी है उसने पूरा मम्मी को दिवाली जो है इत्मीनान से जैसा सब कुछ जो है चलो आ जाओ अंदर चलो जाओ बेटा जाओ चलो चलो बैठो आंटी चाय पी लो चाय बन ना कोई बात नमस्ते बधाई बधाई हो आप सबके लिए उठो उठो घर आ गया घर के अंदर आ गया हम देखो उठो उठो प्रियांशी को बैठा रहा हूँ बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ कल की बताओ खड़े खड़े चलो अपनी रूम में आके उसने देखो ये सबसे पहले रूम में आके खोली उसे ये चेची भी उठो नहीं फोन पर तो बड़ी जल्दी कर जाओगे तेरे जाने मेरी वजह से जॉन को लग रहा है हमारे घर में न्यू मेंबर कौन आया है तो जॉन को देखिए दोस्तों आदि के पास है बेबी अभी तो जॉन बोल रहा है प्लीज मुझे दिखाओ कौन है जॉन इधर बोल मैं पार छो आयो आप बोलिए हाँ जॉन कौन है बाबू कौन है कौन है बोलिए जॉन जॉन है कौन है बाबू तो दोस्तों बेबी का वेलकम बहुत अच्छे से हो चुका है और डेकोरेशन वालों ने भी काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया था हमारे आने तक तो दोस्तों ये बेबी का बेडरूम और बेबी आने के बाद से लेटी हुई है बिल्कुल जगी नहीं है इंजेक्शन लगा था उस पे आते हुए BCG का टीका लगा हुआ था और इस वजह से बेबी और उन्होंने बेडरूम का डेकोरेट भी काफ़ी अच्छा किया हुआ है जो कि आप देख सकते हो और मैंने बेबी की फोटो लगाई हुई थी तो बिल्कुल ऐसे ही बेबी मुझे मिला है मेरे बेबी को कैसे घूर घूर के देख रही कौन आया और एकदम से मेरे पास आ गई कि कहाँ थी दो तीन दिन से कैसे टुकुर टुकुर के देख रही ये बता डर रही मेरा बच्चा मेरा बच्चा डल्ला डल्ला और एक तुम्हारे भैया है तुम्हारा भैया भैया देखो कौन आया बेबी आया ना बेबू घर में किमू कौन आया बेबी घर में बेबी आया ना घर में किमू बेबी आया ना बाबू घर में
मैं चली चली खुले ये बेबी अपनी नानी के पास गई हुई है और अब जाके जगी है जब से घर आई है। और दोस्तों देख सकते हो बेबी को अपने नानी को टकटक की नज़रों से देख रही है। देख रहा है मेरा बच्चा, बहुत प्यार से देख रहा है अपनी नानी को। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने आपके साथ पूरा ब्लॉग शेयर किया बेबी के घर आने तक का हॉस्पिटल से लेके। तो दोस्तों क्या है कि मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ और ब्लॉग को यहीं। आप मेरी वीडियो में बने रहिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ताकि आपको मेरे आने वाले और भी ब्लॉग ऐसे ही दिखते रहे। तो चलो दोस्तों मिलती हूँ आपसे अपने नए ब्लॉग में और अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।